13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। दरअसल फतह वही होती है जो बगैर खून बहाए हासिल की जाए, बजाय इसके कि सुंगुरतुकीन और अर्तुरुल की लाशें दरिंदों की खिजा बन जाएं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए लड़ते हुए मौत के मुंह में जाएं। अल्लाह हू अकबर। ये दुनिया फानी है और मौत पर हक है। मैं जाने वालों के कारवां में शामिल हो गया, मेरा बाप बंद हुआ। तांगुत नोयान को कत्ल करके वो मुहिम खत्म कर चुका होता जिसकी कामयाबी के लिए तुम सालों से कोशा थे। तांगुत नोयान की जगह सरदार बनने वाला था। मौसम बहार की आमद के साथ ही हम सफर शुरू करेंगे हलीमा सुल्तान। कहाँ अर्तुरुल? हमारा फरजंद बाजंतीनी सरहद पर घुड़सवारी करेगा। मैंने कोरकुत की बीवी दुरू की जबान इसी जहर से बंद की थी। इस जहर से ज्यादा जहरीली थी उसकी जबान। अब उस कोरकुत को भी बहुत जल्द मैं इसी जहर से खामोश कर दूंगी। कोरकुत का भी वही हशर करूंगी मैं जो उसकी बीवी दुरू का किया था। मेरे कहने पे तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन कोरकुत से शादी का कहकर तुम पर बहुत जुल्म किया था मैंने। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, उस शख्स से बहुत जल्द जान छूटने वाली है। लेकिन आपका हाकिम आला बनना संगे मील साबित होगा वो उस कबाइल के लिए। तूतकिन और गोकचे जब शादी की रात अपने औताक में होंगे तो उसका बाप नहायत ही खामोशी से हमेशा के लिए सो जाएगा और वो हसीन रात कोरकुत की आखिरी रात होगी और आपके हाकिम आला बनने का आगाज होगा। भाई, तुम्हारी कुर्बानियों का कर्ज कैसे उतारूंगा आयतुल्लाह? मुझे इजाजत है भाई, औताक में कुछ काम करने हैं मुझे। Thank you.
आयतुल्लाह ने जो अताक में छिपा कर रखा है उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करो तो हद हो गया। मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। ऐसा क्या चाहती हो जो हमसे छुपा रही हो बानो जेजे? अगर कबीले में कभी कोई मुश्किल आ जाए तो उस मसले का हल निकालना हर चीज से ज्यादा अहम होता है। बानो जीजे, बानो जीजे, बानो जी जैक, कहां थी इतनी देर से? मैं कब से बुला रही हूं? यहां क्या कर रही हो तुम? औताक की सफाई कर रही थी मैं। औताक की सफाई करने का ये कौन सा वक्त है? पहले वो काम निपटाओ जो मैंने तुम्हें दिए थे। जो हुक्म आपका। बानो जी जैक, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जब से काई कबीला यहाँ आया है हम मसाइल में फंस के रह गए हैं। खुली रखो अपनी आंखें, अपने फराइज फरामोश मत करना। हरगिज कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। दुआन साहब, आपसे ताज़ियत करना चाहती थी मैं। देली तमीर आपके लिए आपके वालिद की तरह थे। सब्र दे अल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बानो जी जैक, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं आप। माजी बन चुका है वो, अब उसका जिक्र ना कीजिएगा। बहरहाल उस दिन मेरी भी गलती थी। अपनी हद पार करके खंजर नहीं रखना चाहिए था मुझे आपकी गर्दन पर। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। जैक, आप मुझे ये बताइए कि आयतुल्लाह पे शक करने की वजह क्या है? वो नहीं बता सकती मैं, लेकिन ये बता सकती हूँ कि आयतुल्लाह नामी जहरीली बला ने कोरकत मामू के औताक में उन्हें काबू में कर लिया है अपने जहरीले जाल से, और अब वो हाइमा खानम को भी डसना चाहती है। आपकी वजह से मैं कोरकुत सरदार की औताक में छुप कर दाखिल हुई आज, चोरों की तरह। पकड़ी भी जा सकती थी मैं। गद्दारी की मैंने उन लोगों से, इसलिए आपको सच बताना होगा। अगर आपने मुझे हकीकत ना बताई तो सवाल नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ कि गला काट दूंगी आपका सलजान खातून। बताएं मुझे किस बुनियाद पर शक कर रही है। बानो जी जैक, तुम्हें ये इल्म है कि आयतुल्लाह के तुरु मुमानी की जिंदगी में ही कोरकुत मामू से ताल्लुकात थे? उस सही औरत ने बताया था मुझे, लेकिन मेरे मजीद जानने से पहले उन लोगों ने उस सही औरत को बेदर्दी से कत्ल कर डाला, और मैं नहीं जानती बानो जी। जो भी कुछ जानती है मुझे खुलकर बताइए। आयतुल्लाह ने औताक की खातून बनने के लिए तुरु मुमानी को मौत के घाट उतार दिया।
है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक 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 है अल्लाह। मना किया था मैंने, कहा था कि हमारे सिपाहियों को आपकी जरूरत है। मैं जानता हूं कि देली दमीर ने जिरगे के फैसले की मुखालिफत की होगी, इसीलिए वो नौयान के ताकुब में गए आपके साथ। देली दमीर का हम इन मंगोलों से इंतकाम जरूर लेंगे अर्तुरुल। गद्दारों को तलाश किए बगैर नहीं हम शहीदों का इंतकाम ले पाएंगे और ना ही नौयान के जुल्म का हिसाब ले सकते। मोहर तांगुत के पास कैसे पहुंची, उसने बगावत क्यों की, इन सवालात के जवाबात हमें इस कबीले में मिलेंगे। इनके जवाबात अमीर सादतिन पहले ही दे चुका है भाई। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? तांगुत को इस्तेमाल करने वाला शख्स कबीले में भी किसी को इस्तेमाल कर सकता है। गुमश्तकिन से बात करने का वक्त आ गया है। जी जैक, वो हार मेरे लिए बहुत अहम है। आयतोलन ने जिस औरत को तमाम हकायक का इल्म था उसे मार डाला, और गौंचकुल मुझे धमकियों पे धमकियां दे रही है कि वो मेरे हार को बतौर सबूत पेश करके मुझे कातिल साबित कर देगी। और तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं मैं? दुरु खातून ने हम बहनों को मां की तरह पाला था, इसीलिए वो मेरे लिए दूसरी मां थी। तो फिर मेरी मदद करोगी ना तुम? जरूर मुमानी का इंतकाम लेने में मेरा साथ दोगी? क्या तुम ये काम कर सकोगी? करूंगी मैं आपकी मदद। औताक में मौजूद है वो हार। कैसी है गुंजगुल खातून? ठीक हूं मैं, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। गोगचे खातून कैसी हैं? आज से पहले इतना खुश नहीं देखा उसे मैंने। आखिर क्यों ना हो खुश, वो सरदार की बीवी बन रही है। बिल्कुल, ये तो है। तूतकिन जैसे बहादुर शख्स की बीवी बनना कोई मामूली बात नहीं है खातून। दुरुस्त कहा आपने, आपके हवाले से ऐसा ही कुछ सोचती हूँ मैं भी। हम भी बहुत जल्द रिश्ता इस दिवाज में बन जाएंगे इंशाल्लाह। उस दिन के इंतजार में खुशी से धड़कता रहेगा मेरा दिल। अल्लाह यूं ही खुश रखे आपको। मुझे अब इजाजत दीजिए। मैंने इन्हें मना भी किया था लेकिन ये जबरदस्ती आ गई। क्या कहना चाहती हैं सलजान खातून?
अपनी बात कहने का ये कौन सा तरीका अपनाया है? आयतोलन के दुरु मुमानी की जिंदगी में आपसे ताल्लुकात थे, मुझे सब इल्म है कोरकुत सरदार। ये क्या कह रही हो तुम? ज्यादा पारसा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, सब राज जानती हूँ मैं आपके। वाकई तुम्हारा दिमाग खराब है। पहले था, अब नहीं। पहले आपको मेरी बात सुनना होगी, उसके बाद ये फैसला कीजिएगा कि मेरा दिमाग खराब है या नहीं। बैठ जाइए, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बैठ जाइए। परेशान ना हो आप, मैं जो बात कहूंगी वो हमारे दरमियान ही रहेगी, किसी को इसका इल्म नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद आप क्या करते हैं इसका फैसला आप पर है। क्या आपको कबीले से कुछ फासले पर उस ज़ईफ औरत की मिलने वाली लाश याद है? वो कत्ल आयतोलन ने किया था कोरकुत साहब। जानते हैं क्यों कत्ल किया था उस औरत को? मुझे आयतोलन की मकरू हकीकत जानने के लिए उस ज़ईफ औरत को अपनी माँ का दिया हुआ सबसे कीमती हार देना पड़ा। उसने मुझे बताया कि आयतोलन से दुरु मुमानी की जिंदगी ही में आप छुप छुप के मुलाकातें किया करते थे। वो मजीद रास बताती मुझे, लेकिन उसकी हिर्स ने उसे रोक दिया। जब मैं उसकी मुंह मांगी कीमत लेके वहां पहुंची, उस वक्त तक उसका कत्ल हो चुका था, और वो कत्ल आयतोलन ने किया। आप जानते हैं कि उसने ये कत्ल क्यों किया? क्योंकि वो औरत मेरे सामने और भी राजों से पर्दा उठाने वाली थी। मैं जान गई हूं अब सब। आयतोलन ने औताक की खातून बनने के लिए दुरु मुमानी को मौत के घाट उतार दिया। दफा हो जाओ यहां से, मैंने कहा दफा हो जाओ। इस औताक में मेरा हार मौजूद है, जो आयतोलन ने मेरी जबाबंदी के लिए छुपा के रखा है अपने पास। लानत हो तुम पर साजिशी मक्का और औरत। गुंजा गुल की शादी तुम्हारे शोहर से होने वाली है, इसी हसद में तुम ऑल फॉल बक रही हो। मेरी माँ का वो हार इस बड़े संदूक में मौजूद है। अगर एक और लफ्ज मुंह से निकाला तुमने तो यही मार डालूंगा। अगर आपने इस मामले में खामोशी इख्तियार की तो मैं आपको भी शरीक जुर्म समझूंगी। दुरु मुमानी के कातिलों के साथ कोरकुत मामू, फिर चाहे कुछ भी हो। ले हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। नमस्कार।
ऐसा लगता है कि गुंदोगदू को इन सिपाहियों की मजीद तरबियत करने की जरूरत है। सही कह रहा हूं ना अर्तुरुल साहब? मुत्तफिक हूं मैं गुमिश्तकिन आपसे। ये फन सीखने के लिए मैं खुद एक अरसे से आप जैसे माहिर उस्ताद से तरबियत का ख्वाहिशमंद था। बहुत आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है अर्तुरुल साहब। ये मामला कुछ और ही है बंसी। अर्तुरुल भाई जब भी ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ और ही होता है। भाई मुझे तो लगता है असल में इस बदबख्त की तरबियत होगी। अब देखो अब भाई क्या करते हैं बंसी। तरबियत के लिए अच्छा सिपाही मिल गया। इंशाल्लाह औताक पर नकब लगाने वाले गद्दार को ढूंढना भी आपको नसीब होगा गुमश्तकिन। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अपनी वालिदा के खेमे से गुम होने वाली मोहर की बात कर रहा हूं मैं। ये एक ऐसी गद्दारी है जिसका एक सिरा मंगोलों और दूसरा सिरा कोनिया से मिलता है। यकीनन तो मुझसे कुछ कहना चाह रहे लेकिन वो बात तुम जुबान तक नहीं ला पा रहे। अमीर सादतीन कोपेक, अमीर सादतीन कोपेक की मदद करने वाले हाथ अपनी वालिदा के खेमे के अंदर पहुंचने से पहले ही मैं अपने हाथों से काट डालूंगा। बस ये समझाना था। मैं यहां अमीर सादतीन का नुमाइंदा बनकर आया हूं। उनका कहा गया हर लफ्ज मेरे लिए भी है। तुम क्या ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अर्तुरुल, तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब है?
आपके भाई की जुबान भी तलवार की तरह चलती है गुंदोगदू साहब। ये आप क्या कह रहे हैं गुमश्तकिन साहब? आपके भाई ने अमीर सादतीन और मुझ पर इल्जाम लगाया है कि सादतीन कोपे को वो मोहर औताक से चुराकर मैंने दी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? अगर हमारे मसाइल खत्म हो गए हैं तो तुम रियासत के अमीर के खिलाफ महाज खड़ा करोगे? वो मोहर अमीर सादतीन के किसी कारिंदे ने चोरी की है, ये कहा है मैंने। वो कोई भी खिदमतकार हो सकता है। तो ठीक है फिर, अगर ऐसा ही है तो मेरा हाथ और जुबान काट दी जाए ताकि इन कबाइल का अमन किसी फितने की नजर ना हो पाए। अर्तुरुल साहब, गुमश्तकिन साहब, कौन सी नई मुसीबत लाने वाली है मनहूस औरत? खुद को संभालो सलजान, इस बार तुम हक पर हो। अब चाहे इसका जो भी अंजाम हो, तुम्हें राह हक पे चलते रहना है। सही रास्ते पे पड़े पत्थर गलत रास्ते की नरम घास से बेहतर है। सलजान खातून, कोरकुत साहब को मैंने सब कुछ बता दिया, परेशान ना हो तुम, तुम्हारा कहीं जिक्र नहीं आया। आपको लगता है मैं डर जाऊंगी इस बात से? वो जो पूछेंगे मैं सब सच बताऊंगी। तुम बचपन से ही ऐसी बहादुर नडर हो। कुरकुत साहब के फैसले का इंतजार करना होगा। अब तुम जाओ यहां से, चाहे कुछ भी हो जाए किसी को कुछ मत बताना। वक्त आ गया है बानो चिचैक कि जंजीर की कमजोर कड़ी टूट जाए, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा इस तूफान की जद में कोई भी आए। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी मैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कातिल को सजा देने के लिए सबकी कुर्बानी जरूरी नहीं। देखा जाएगा जो भी होगा भानु जी चेक।
अब किस तबाही को दावत दे रहे हो अर्तुरुल? हाँ, तुम गुमश्तकिन से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? गुमश्तकिन पे गद्दारी और चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? गुंदोगदू, क्या हुआ? अर्तुरुल की जबान तलवार की तरह तेज है, इतनी तेज है कि किसी दिन गुमश्तकिन का गला काट कर ही दम लेगी। अर्तुरुल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं जानता हूँ कौन है मोहर चोरी करने के पीछे। गुमश्तकिन का काम है क्या ये? मेरे भाई ने तरबियतगाह के अंदर और तमाम सिपाहियों के सामने अपनी तलवार गुमश्तकिन की गर्दन पर रख दी, सबके सामने वारदा। वो चोरी की गई मोहर सुंगुर्तकिन के पास है, ये सिर्फ तुम दोनों के इल्म में था। तो फिर गुमश्तकिन मोहर के बारे में कैसे जान गया कि औताक से चुरा ली उसने? अमीर सादतीन जानता था वालिदा। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई सुंगुर? हाँ, क्या तुम भी इत्तफाक करते हो अर्तुरुल की बात से? गुमश्तकिन ने वो मोहर औताक से चोरी करवा के अमीर सादतीन कोपे के हवाले की और वो मोहर उसने तांगुत को दे दी। हाँ जी हाँ, ऐसा ही हुआ। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, इसे बर्दाश्त करने का हौसला दे मुझे। अच्छा बताओ, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई दलील है? इस तरह तुमने सिर्फ गुमश्तकिन नहीं बल्कि अमीर सादतीन कोपे की हुर्मत पे भी सवाल उठा दिया है। अभी कोई सबूत नहीं है भाई, मगर बहुत जल्द मिल जाएगा। सबूत मिल जाएगा तो तुम्हें यह लगता है जब मेरे अंदर आग का सहरा भड़क रहा था तो मुझे अपने लिए गोंजा गुल जैसा सायादार शजर मिला, तुमने वो भी बर्बाद कर दिया। मेरे भाई, तुम जानते हो जिस शख्स पे तुमने इल्जाम लगाया है वो मेरी होने वाली बीवी का बाप है। मेरे इल्म में कुछ बातें हैं भाई। मेरे भाई, कौन से पोशीदा राज चालते हो तुम, मुझे भी बताओ। आगा तो करो, कम से कम वालिदा को तो बता दो। मैं बात कर चुका अपनी। तुम बात कर चुके हो अपनी, यानी बात खत्म हो गई। तुम्हारी इन पुरसरार हरकतों का बोझ उठाकर अब मैं बुरी तरह थक चुका हूँ और तंग आ गया हूँ, सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि सुंगूर से भी। तुम किस मुहिम पर हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जरा एक बात गौर से सुन लो मेरी। जो कुछ तुम कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं है। मैं सोच चुका हूं, किसी हकीकत या किसी राज को पोशीदा नहीं रहने दूंगा मैं। अब आखिरी हद तक जाऊंगा। किस हद तक जाओगे? और जिस हद तक जाना है जाओ, जहन्नम भी जाना है तो जाओ मेरी बला से। गुंदोगदू, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अपनी बात कर चुका हूं। आखिर क्या मतलब है इसका? कम से कम पहले आके मुझसे तो बात करनी चाहिए। मुझे नहीं बता सकते तो वालिदा को तो बताओ। या मेरे रब, ये ऐसा कैसे कर सकता है? सारे सिपाहियों के सामने गर्दन पे तलवार रख दी वालिदा, कोई पूछने वाला नहीं इसको। शर्म आती है मुझे, रुसवा करके रख दिया है। भाई, सब्र से काम लेना होगा आपको, अर्तुरुल हक पे भी हो सकता है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या मतलब है इस बात का कि हक पर भी हो सकता है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी मफरूजे की वजह से तो लड़ रहे हैं हम। अपनी सोच सब पर मुसलत नहीं की जा सकती, हजार दफा समझा चुका हूं मैं। सुलजान को देखा था मैंने अभी यहां, क्या वो आपके पास आई थी? क्या काम था उसे आपसे?
हर बात कह दी है उसने जो कुछ मालूम था उसको। वो औरत हर जगह फसाद फैलाती फिरती है, आपको भी परेशान कर दिया। दुरु के इंतकाल से पहले हमारे दरमियान ताल्लुकात के बारे में वो जानती है। गुंजा गुल की शादी में रुकावट डालने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, हर हर बस इस्तेमाल करेगी वो अपना। सरदार, क्या उसने और भी कुछ कहा आपसे? अगर तू तकिन के कानों में ये भनक भी पहुंच गई कि हम दुरु की जिंदगी में एक दूसरे से मिला करते थे, तो पूरी जिंदगी अपने बेटे को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं। बाबा, अर्तुरुल भाई ने तरबियत गाह में गुमश्तकिन साहब की गर्दन पे तलवार रख दी, कुंदोक्तु भाई ने आकर उन्हें बचाया है। मुलाहिजा कीजिए, इस कबीले में क्या हो रहा है? इस साजिश के पीछे भी अर्तुरुल का हाथ होगा। आपको दुश्मन को पहचानना होगा इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। ये क्या कह रही थी बाबा, क्या हुआ है? अर्तुरुल भाई का ताल्लुक क्या है इस बात से? अर्तुरुल को इस हरकत की बहुत भारी कीमत चुकाना होगी। अपने कहे हर लफ्ज पर वो पछताएगा। अब अगर कोई भी मेरे मकसद के दरमियान आया तो मैं उसे इबरत का निशान बना दूंगा। भाई, ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? मैं ठीक नहीं हूं आयतुल्लाह। अर्तुरुल मेरी सोच से ज्यादा बाखबर निकला। मोहर के बारे में मुझसे सवाल किया उसने, मुझसे। इतना ही नहीं हुआ भाई, सिलजान कोरकुत से बात करने आई थी। क्या कहा? क्या ये सच है? उस हार के हवाले से तुम्हारी धमकियां उसे और खौफजदा नहीं कर सकती गुंजा गुल। वो कतरा कतरा अपना जहर फैला रही है। और क्या क्या बकवास की है उस मनहूस औरत ने। जब वो अताक से निकल रही थी तो मैंने उसका ताकुब किया और उसके खेमे से बानो जिजैक को निकलते देखा मैंने। शायद वो बानो जिजैक की दुरु खातून से मोहब्बत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या बताया उसने कोरकुत को? कोरकुत के मुताबिक दुरु खातून की जिंदगी में कोरकुत और मेरे ताल्लुकात के बारे में जानती है सलजान। कैसे जानती है वो? अगर उसे और भी कुछ मालूम हुआ तो? दुरु की मौत की सच्चाई जानना नामुमकिन है उसके लिए। कोरकुत ने सलजान को तो निकाल दिया वहां से, लेकिन उसे इस बात का खौफ है कि तूतकिन को अगर इस बात की भनक भी पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। हाथ से निकलता जा रहा है ये मामला, न जाने और कितना वक्त लगेगा इसमें। कोरकुत जब तक जिंदा है हमें सुकून नसीब नहीं हो सकता। अब शादी तक इंतजार करना खतरनाक होगा। तूतकिन और गोगचे के निकाह के बाद ये काम फौरन अंजाम देना होगा हमें। क्या बताया तुमने उन्हें सलजान? सब बता दिया। उन्होंने क्या कहा? बाहर निकाल दिया मुझे। अपनी हकीकत सब पर आया हो जाने के खौफ ने उन्हें पागल कर दिया है। तूतकिन ये सच्चाई न जान जाए इस बात से खाइफ है, इसीलिए मजबूर है वो खामोश रहने पर। और दुरु खातून की मौत के हवाले से? गौंजागुल के हसद में अपनी तरफ से ये कहानी गढ़ के सुना रही हूँ, ये कहा। लेकिन शक तो पैदा हो गया है उनके दिल में हलीमा, और यही शक उन्हें खा जाएगा। अब देखते हैं कि वायतुल्लन से इस बारे में क्या बात पुरस करते हैं। मेरे बस में जो था वो मैंने कर दिया, अब इसका अंजाम क्या होगा वो कोरकुत साहब के हाथ में। कोनिया से हाक में आला बनकर लौटने तक दो दुर्गा कबीले की सरदारी का मनसब तू तक इनको मिल जाना चाहिए। अर्थरुल और सलजान ने अगर मिलकर हमारे खिलाफ महाज खड़ा कर दिया, अगर अभी तक नहीं हुआ तो मुस्तकबिल में जरूर होगा।
ज्यादा दिन वो औरत अपना मुंह बंद नहीं रखेगी, यकीनन उगल देगी सब कुछ। अब क्या करेंगे आप बाबा? गुंडोक्तु की लगाम पर गिरफ्त मजबूत करो अपनी, और उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाओ। अपने खोने का डर बिठाओ उसके अंदर, और मैं गुंडोक्तु के दिल में अर्तुरुल के खिलाफ गुस्से की आग को भड़काने की कोशिश करता रहूंगा। अगर मैं कामयाब हो गया इसमें तो उसकी मां को भी साग में झुलसा दूंगा। और तुम पानो जजेक से गुलवाने की कोशिश करती रहो, अगर जरूरत पड़े तो उसे भी मार देना। कैसी मुहिम? कुमुश्तकिन सरदार को कमजोर करने की मुहिम। जहर तुम्हें भी पीना होगा, हकीकत सामने ना आ जाए। मैं भी फिल वक्त इस शादी के हक में नहीं। और तुम ये यकीन रखो कि तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, वादा है ये मेरा तुमसे। और आप भी यकीन रखिए एक बात का, दुनिया और आखिरत में मेरे हाथ आयतुलन की गर्दन ही पर होंगे। जल्द या बदेर झूठ का पर्दा फाश करके रहूंगी मैं।